नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक और नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जी हां, एमआरजी वर्ल्ड का द बालकनी सेक्टर 93 में। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट कराता हूं गुड़गांव के राजीव चौक से। हम लोग अपनी साइट विजिट को गुड़गांव के राजीव चौक से स्टार्ट करेंगे और सेक्टर 93 में एमआरजी वर्ल्ड के द बालकनी के प्रोजेक्ट पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी साइट विजिट को। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एमआरजी वर्ल्ड द बालकनी सेक्टर 93 की साइट विजिट को, और अभी हम लोग राजीव चौक गुड़गांव पर हम लोग खड़े हुए हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी साइट विजिट को। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं हीरो होंडा चौक पर। हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 33-34 है। हमारे राइट साइड में ये बेस्ट ट्रैक का साइबर पार्क है। हमारे लेफ्ट साइड में ये डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन की बिल्डिंग है जो एसपीआर पर है। हम लोग टोल के पास में पहुंच रहे हैं। हल्दीराम के पास में खिड़की दौला टोल है जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और हमारे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये सदर्न पेरिफेरल रोड है आपके। यहाँ से डीएलएफ अल्मीडा, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन के लिए जाते हैं और यहाँ से हम लोग सोना रोड के लिए भी जा सकते हैं। और हम लोग अब हल्दीराम के पास में खिड़की धौला टोल पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जयपुर जो है वो 222 किलोमीटर है। और हम लोग टोल टैक्स के बाद में फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर चढ़ चुके हैं। हमारे राइट साइड में वाटिका इंडिया नेक्स्ट की टाउनशिप है। और अब हम लोग सेकेंड फ्लाईओवर के पास में पहुंच चुके हैं। हम लोग इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चलेंगे, हम लोग इसके नीचे से लेफ्ट लेंगे। हम लोग आगे से इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेंगे डीएलएफ की तरफ में। हम लोग लेफ्ट लेते हैं तो सेक्टर 78-79 की तरफ जाते हैं जहां पर सुपरटेक, गोदरेज के और मैप्सको के प्रोजेक्ट हैं। हम लोग यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं और अब हम लोग डीएलएफ की टाउनशिप गार्डन सिटी के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में ये आपका डीएलएफ का अल्टीमा प्रोजेक्ट है। ये आपका बेस्ट ट्रैक का पार्क व्यू आनंदा प्रोजेक्ट है। और हम लोग एनएचएट से स्ट्रेट इस बड़े गोल चक्कर के पास में पहुंच चुके हैं। हम लोग इस गोल चक्कर से अगर हम लोग लेफ्ट में जाते हैं तो हम लोग सेक्टर 86 न्यूटन हाइट्स की तरफ जाते हैं। अगर हम लोग यहां से राइट में जाते हैं तो हम लोग सेक्टर 89, सेक्टर 85,
कि सेक्टर डिवाइडिंग रोड पे चल रहे होते हैं और ये रास्ता सीधे आगे जाकर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। हम लोग इस गोल चक्कर को क्रॉस करके स्ट्रेट जाएंगे और हमने ये गोल चक्कर क्रॉस कर लिया है और हम लोग इस वक्त स्ट्रेट रास्ते पर आ हमारे राइट साइड में ये आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल है। अपने प्रोजेक्ट पर पहुंच चुके हैं और हम लोग 75 मीटर रोड से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में टर्न कर रहे हैं और ये हमने 75 मीटर रोड से अपने प्रोजेक्ट के अंदर टर्न कर लिया। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 93 में मार्जी वर्ल्ड की साइड द बालकनी पर। जी हां, हम लोग अभी सेक्टर 93 में खड़े हैं और इस प्रोजेक्ट के अगर हम नियर बाय की बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट जो है वो आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल है। इस प्रोजेक्ट के अगर बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड में स्पेस का प्रीवी द एड्रेस सेक्टर 93 का प्रोजेक्ट है। साथ ही में इस प्रोजेक्ट के आपके नियर बाय प्रोजेक्ट में बात करेंगे सेक्टर 90 में आपके डीएलएफ का रीगल गार्डन, डीएलएफ का स्काई कोर्ट है। बात करते हैं इस एमआरजी ग्रुप के प्रमोटर्स के बारे में। इस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो मिस्टर देवेंद्र कुमार एंड अशोक कुमार जी हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, एमआरजी वर्ल्ड के द बालकनी का जो प्रोजेक्ट है इसका लाइसेंस नंबर 1 है जो 2019 का लाइसेंस है। ये लाइसेंस इनको 4 जनवरी 2019 को मिला था। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान अप्रूवल 12 अप्रैल 2019 का है। इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर भी आ चुका है। रेरा नंबर इस प्रोजेक्ट का 28 है जो 13 मई 2019 का इनको मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 731 अपार्टमेंट हैं जिसके अंदर 35 अपार्टमेंट मैनेजमेंट कोटे के हैं। जनरल पब्लिक के लिए इस प्रोजेक्ट में 696 अपार्टमेंट हैं। इसके अंदर टोटल 3 तरह के अपार्टमेंट हैं जिसमें से 2 टाइप जो है 2 BHK के हैं और जो टाइप 3 है इसका वो 2 BHK प्लस स्टडी का है। टाइप 3 2 BHK प्लस स्टडी जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट कोटे के अंदर ही अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइप ए है उसमें 352 अपार्टमेंट हैं और टाइप बी 2 BHK के अंदर 344 अपार्टमेंट हैं। जनरल कोटे के अंदर है उसका जो साइज है जिसमें टाइप ए का जो कारपेट एरिया है वो 606.82 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 92.24 स्क्वायर फीट का है जिसका टोटल कॉस्ट 24,73,425 रुपीज है। 2 BHK टाइप बी जिसका कारपेट एरिया 589.67 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 88.70 स्क्वायर फीट का जिसका टोटल कॉस्ट 24,03,068 रुपीस है। इस प्रोजेक्ट की जो साइट है वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर साइट है जो गुड़गांव में बहुत कम अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट में, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट की भी अगर हम बात करते हैं बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी साइट प्रॉपर रेक्टेंगल या ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप में हो। इस प्रोजेक्ट की जो साइट है उसका फ्रंटेज बहुत अच्छा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टावर्स हैं उसमें एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट हैं और इसमें से G+14 और G+8 फ्लोर की बिल्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंदर है। इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है, इस प्रोजेक्ट का जो डायरेक्ट अप्रोच है वो 75 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। इस प्रोजेक्ट से अगर हम लोग NH8 की बात करते हैं तो वो लगभग रफली 2.25 किलोमीटर यहाँ से NH8 पड़ता है और यहाँ से अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम लोग यहाँ से मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है वो भी लगभग 2.25 किलोमीटर आएगी। एमआरजी वर्ल्ड द बालकनी की जो साइट है टोटल 5 एकड़ का एरिया है इसके अंदर और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो IGBC गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के अंडर में
2.67 लाख रुपए की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर और सारे प्रोजेक्ट की तरह ही 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच एरिया है। इस प्रोजेक्ट को जब आप बुक कराएंगे उसमें आपको बुकिंग अमाउंट 5% देना है। इस प्रोजेक्ट का जो बाकी का पेमेंट प्लान है उसमें अलॉटमेंट पर आपको अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर 20% की पेमेंट देनी होगी। इसके बाद 6-6 महीने के अंदर आपको 12.5% की इंस्टॉलमेंट देनी होगी, जो 6 इंस्टॉलमेंट 36 महीने के अंदर जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, वैसे हर प्रोजेक्ट का अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो पोजीशन टाइम है वो लगभग 4 साल का है। इस कंपनी की प्लानिंग है कि इस प्रोजेक्ट एमआरजी वर्ल्ड बालकनी के प्रोजेक्ट का पोजीशन जो है वो 2.5 साल में ही इनका ऑनर करने का प्लानिंग है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी इस प्रोजेक्ट का ड्रॉ नहीं हुआ है, इसके लिए अभी एप्लीकेशन ले जा रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का ईसी ऑलरेडी आ चुका है और इस ईसी आने के बाद में कंपनी ने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्शन की स्टेज बहुत तेज़ी से है और मुझे लगता है कि इस कंपनी की जो इस प्रोजेक्ट के जो अलॉटमेंट होगा तब तक इस कंपनी का जो फ्लोर की हम बात करते हैं 3-4 फ्लोर पे टावर पहुंच चुके होंगे। और मैं आपको अब दिखाता हूं कि इसमें अभी करंट में कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको प्रॉपर्टी के अपडेट्स मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगले किसी नए अफोर्डेबल या किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।